हेलो फ्रेंड, अगर आप एक पेटीएम के बीसी एजेंट है तो रिसेंटली आज से 3 मार्च से आपको शायद कुछ कुछ बीसी एंड 3P को ये ऑप्शन दिख रहा हो जब वो लॉग इन करते हैं। बीसी एजेंट, योर मैंडेटरी ट्रेनिंग मॉड्यूल इज पेंडिंग, प्लीज कंप्लीट इट बिफोर ड्यू डेट एल्स योर बीसी ऐप एक्सेस विल बी रिवोक। तो ये एक ट्रेनिंग है जो बीसी एजेंट को देना पड़ता है, इससे पहले भी जो होंगे वो देना पड़ा था, जो शिक्षा ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है कि आप जो काम करते हो बीसी ऐप पे, ये लाइक केवाईसी की हो गई या फिर जो भी पोर्टल यूज करते हो उसके रिगार्डिंग, तो आप उसके जानकार है या नहीं है, ऐसे ही आपको बिना नॉलेज आप काम कर रहे हो, बाकी चीज जो उसके सर्विस है उसमें आपको जानकारी है कि उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग ली जाती है और क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, पहले आपको समझाया जाता है, बताया जाता है, उसके बाद एग्जाम पास करना होता है जो जरूरी है। तो इस वीडियो को एग्जाम पास वास तो हम नहीं करने बताएंगे, लेकिन क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से एग्जाम आपको देने पड़ेंगे वो देख लेते हैं। तो सिंपली ओके करेंगे आपको तो यहाँ पे एक ये दिखाएगा, इससे पहले एक ट्रेनिंग किया गया था जो 2021 में हुआ था जुलाई में, बीसी मेडल ट्रेनिंग रेडी जो शिक्षा ट्रेनिंग कहते हैं। तो एक नया ट्रेनिंग आ गया, हो सकता है कि स्टार्ट होने से पहले ये ट्रेनिंग लिया जा रहा हो, उसके बाद केवाईसी भी स्टार्ट में देखने को मिले, ये अलग की बात है, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली स्टार्ट में क्लिक करोगे आपको ब्राउजर में फेंक दिया जाएगा जहाँ पे आपको पेटीएम नंबर एंड इसके साथ लॉगिन कर लेनी है। आफ्टर लॉगिन किसी इस प्रकार से आपको ksa.paytmbank.com करके आएगी, एंड यहाँ पे टोटल 13 जो एग्जाम होते हैं ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग काम करने वालों के लिए, मतलब कि पेटीएम में जितने इम्प्लॉय वगैरह सबको यहाँ से ट्रेनिंग देना पड़ता है, जैसे केवाईसी ट्रेनिंग ओनली फॉर वीडियो केवाईसी, जो लोग वीडियो केवाईसी करते हैं या ऑडिट करते हैं उन लोगों के लिए सब चीज होता है। तो इसमें जो बीसी है उसके लिए कौन से मैं बताऊंगा, और यहाँ पे मैंने एक एग्जाम दिया था पास हुआ था, नीचे आएंगे देख सकते हो कि मैंने बीसी मैंडेटरी ट्रेनिंग जो है रेडी एंड मैंने 2021 जुलाई में एक पास किया था जो इम्पोर्टेंट था। इसके बाद अभी जो नया आया है न्यू है बीसी मेंटर ट्रेनिंग 2023, और यहाँ पे वगैरह वगैरह पेटीएम का डिटेल वगैरह दिया रखा है, और यहाँ किसे देना है तो बीसी थ्री पी डिस्ट्रीब्यूशन बीसी एटीसी ट्रेनिंग करके। तो इस ट्रेनिंग में क्लिक कर आपको पहले यहाँ पे सब चीज बताया जाएगा, 4 मिनट का टाइम देगा जिसमें आपको पढ़ सकते हैं, उसके बाद पासिंग मार्क है 80% ऊपर लाना है तो आप पास होंगे। आप इस एग्जाम के बीच में बैक नहीं कर सकते हैं, इच क्वेश्चन इज मैंडेटरी, हर क्वेश्चन का जवाब देना, स्किप नहीं कर सकते हैं। तो शायद यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने दिया था 10 क्वेश्चन के आसपास थे, और 10 में से आपको 8 क्वेश्चन के सही सही जवाब देने हैं, जो ज्यादातर लोग दे ही देंगे, आप ट्राई करना, ऐसा मत सोचना अगर आपने गलत क्वेश्चन कर दिया फेल हो गया आपको बस रिवोक हो जाए, नहीं, आपको फिर से ट्रेनिंग देना होगा और फिर से एग्जाम पास करना होगा। तो जो लोग को ऑप्शन आ रहा है उसे पढ़ के समझ के पढ़े अपने सोचा से, और जाने और क्या क्या चीज सही सही आप एग्जाम को पढ़ के समझ के पास कर ले, उसके बाद आपकी बीसी आईडी इजिली एक्सेस रहेगी। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपकी बीसी आईडी डेफिनेटली रिवोक कर लिया जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा जब तक कि आप वापस से इस एग्जाम को कंप्लीटली पास कर अपने आप से बात कर इसे सही सही ना करा ले। तो आप जरूर इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले और इस ट्रेनिंग को पास करें। मैं कोई भी आंसर सवाल जवाब नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड मार्च तक में तो उम्मीद नहीं है, अप्रैल में शायद केवाईसी होने की संभावना व्यक्त की जाती है, देखते हैं जब भी स्टार्ट होगा सबसे पहले आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों फ्रेंड रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करें, एंड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।